बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक वीडियो क्लिप मैंने कल देख लिया था, आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। मैं एक कल का वीडियो क्लिप ये वायरल था सोशल मीडिया के ऊपर, कल शाम टाइम यानी कि इसके ऊपर कार्रवाई भी कर ली गई। मैं कल ही वीडियो आपके साथ ये शेयर करता था, लेकिन मैंने कल ये वीडियो शेयर नहीं की। उसके पीछे मैं यानी कि खुद से ये सोच रहा था कि अभी चंद घंटों के बाद ये बंदे गिरफ्तार होंगे, फिर ही आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगा। इसे बोलते हैं जी हकूमती पावर, आप बोल रहे हैं अगर हम सिंपल लफाज में बोलें तो। कोई भी अगर कमज़ोर बंदा है तो उसके साथ कोई भी बंदा अगर किसी किस्म की ज्यादती करता है तो ऐसा नहीं हो कि वो बंदा उसको मार पीट कर या उसको कोई भी किसी किस्म का नुकसान पहुंचाकर खुद चला जाता है और बाद में वीडियो वायरल होती है या पिक्चर उस बंदे की आ जाती है, उसके ऊपर भाई कई कई दिन कई कई माह गुजर जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती। अगर होती भी है तो वो पकड़ा कब जाया, कब छूट गया, किसी को पता ही नहीं है। तो इसके मुताबिक आपको बाखूबी इलम है जी सऊदी अरब में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, मैं सऊदियों की सपोर्ट की जाती है खारजियों की निस्बत, ये कन्फर्म बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बात यह है जी इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है। अगर आपको कोई भी किसी किस्म का, मिसाल के तौर पर एक हमारी कंपनी में ही बंदा था, मैं किसी दिन बैठकर आपको मुकम्मल उसकी स्टोरी भी सुना दूंगा, अभी भी है जी, तो गपशप उसके साथ मेरी है काफ़ी और बुजुर्ग आदमी है। तो सऊदी का बच्चा गाड़ी चला रहा था, तबुक शहर में हम मौजूद थे, उसकी गाड़ी कंट्रोल हुई, उससे आउट ऑफ कंट्रोल हुई और वो बंदे की भाई टांग टूट गई। वो हालांकि फुटपाथ के ऊपर जा रहा था, सऊदी ने उसका मुकम्मल इलाज करवाया और बाद में उसको पैसे वगैरह भी अच्छे खासे देकर पाकिस्तान में भेजा। मैं इंशाल्लाह किसी दिन वीडियो में बैठकर ना मुकम्मल स्टोरी आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा उसके कि आपके साथ शेयर कर दूँ, ये मुझे यस या नो में बता दीजिएगा। बहरहाल जो वीडियो क्लिप आपको दिखाने लगा हूँ मैं, यहाँ पर आप देख रखे होंगे ये सोशल मीडिया के ऊपर कल वायरल हुआ है जी। दो बंदे हैं जी किसी मार्केट में, यानी कि काउंटर कैश काउंटर होते हैं, वहाँ पर गुजर रहे हैं और एक लड़का खड़ा हुआ है, उसको भाई ऐसे कूनी से, और वो उसी मार्केट में काम वगैरह करने वाला है, उसको ऐसे कूनी से या ऐसे धक्का दिया हल्का सा। उसने देखा, पीछे वाला उसको पूछता है क्या देख रहा है, तो आगे वाला भी उतनी देर में आकर पूछे आ जाता, उसको पूछता क्या देख रहा है। तो इतनी देर में वो लड़का आगे से उनको यही बोलता होगा, जाहरी सी बात है कि आपने मुझको धक्का क्यों दिया, तो उसको मारना पीटना शुरू कर दिया है, मारना पीटना शुरू कर दिया। और ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि ट्विटर के ऊपर, खासकर इनके जितने भी बड़े अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अखबारों के और तमाम जो रईस वगैरह हैं जी बैठे होते हैं ट्विटर के ऊपर सऊदीया के, तो उनकी तरफ से भी ये शेयर किया गया, ऊपर लिखा गया तुमल कब्स इंशाल्लाह। और वही हुआ जी, और चंद घंटों के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, आप देख रखे होंगे यहाँ पर। और इसी बिना के ऊपर गिरफ्तार किया गया है कि आपने उसको एक तो धक्का क्यों दिया और ऊपर से उस लड़के को मारा क्यों। अभी उस टाइम तक इनकी जान नहीं छूटेगी जब तक वो लड़का इनको माफ नहीं कर देता। हाँ, वो पैसे लेकर इनको माफ कर दे या वैसे अल्लाह के नाम के ऊपर इनको माफी दे दे, वो अलग से मामला होगा। ये है जी कि अभी तब तक इनकी जान नहीं छूटेगी, चाहे ये सऊदी है चाहे वो लड़का खारजी है, जब तक वो इनको माफ नहीं करेगा।